अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह के रसूल को इल्मे गब हासिल है या नहीं। इसके पहले के टॉपिक में हमने हुजूर के इल्मे गब को साबित किया कुरान और हदीस से। इस टॉपिक में इल्मे गैबे मुस्तफा पर जो ये वहाबी देवबंदी एतराज करते हैं उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कुरान हदीसे से। सबसे पहले वहाबी देवबंदी एक हदीस को लेकर आते और कहते हैं, हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं ये नहीं जानता कि दीवार के पीछे क्या है। कुछ लोग इस जगह ये इश्काल लाते हैं कि बाज़ रिवायतों में आया कि हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं नहीं जानता उस दीवार के पीछे क्या है, इस कलाम की कोई असल नहीं। इमाम सखावी शाफई अल मुतवफ़ा 902 हिजरी फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस बयान की जाती है, हुजूर फरमाते हैं मैं नहीं जानता दीवार के पीछे क्या है। फरमाते हैं शेख इब्ने हजर कहते हैं ये रिवायत की कोई असल नहीं। अल मकासद अल हसना पेज 571 हदीस 934 इमाम अहमद इब्ने मोहम्मद कुस्तलानी अल मुतवफ़ा 923 हिजरी। अल मुवाहिबुल लदुनिया जिल्द 1 पेज 228 फरमाते हैं इसकी कोई असल नहीं। नबी करीम को इल्मे गब न होने पर मुखालिफिन वहाबी देवबंदी की एक दलील हजरत आयशा सिदीका की रिवायत है हदीस जिसने ये कहा नबी करीम गब का इल्म जानते हैं उसने झूठ कहा। सही बुखारी शरीफ हदीस 7380। हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब को धीरे धीरे गब का इल्म अता किया। नबी करीम के पास जो भी गब का इल्म है वो खुद का नहीं बल्कि उनको ये इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया है। अल्लाह पाक के लिए कोई चीज पोशीदा नहीं है। अल्लाह का जो इल्म है वो लामहदूद है, जिसका कोई हद नहीं। अल्लाह को वो इल्म किसी से मिला नहीं, वो अल्लाह ताला का जाती है, लेकिन नबी करीम का इल्म महदूद है। अताई है यानी जो भी इल्म है वो अल्लाह पाक की अता से है। यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब को इल्म मा काना व मा यकुन का इल्म अता किया जो हो चुका, और कयामत तक हत्ता के जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में, जन्नत में जन्नती रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, हर चीज का बयान नबी करीम को अल्लाह पाक ने अता फरमा दिया, जिसका जिक्र आगे हदीस में आएगा। नबी करीम का इल्म अताई है और पाक परवरदिगार का इल्म जाती है, और ये जो हदीस बयान की गई हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा वाली वो इस बात की तरफ है कि नबी करीम को इल्मे गब खुद से नहीं है, यानी सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा जाती इल्मे गब का इनकार कर रही है। अताई की तो खुद वो भी कायल है जो आगे हदीस में पेश होगा। चुनकी एतराज सैयदा आयशा सिदीका की मरवी रिवायत से है, लिहाजा जरूरी समझता है कि हजरत आयशा के अकायद की भी वजाहत यहाँ कर दी जाए कि क्या सच है। में उनका अकीदा यही था कि नबी करीम को कल होने वाली खबर का इल्म न था, या उनकी बात का मतलब बदमजहब ने गलत बयान किया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिदीका फरमाती है रसूल करीम रऊफो रहीम ने अपनी शहजादी सैयदा फातिमा तो जहरा रदी अल्लाहु अन्हा को बुलाया और कान में कोई बात फरमाई, वो बात सुनकर खातून ए जन्नत रोने लगी। आका ने फिर सरगोशी की यानी कान में कोई बात फरमाई तो खातून ए जन्नत हंसने लगी। हजरत सैयदा आयशा सिदीका फरमाती है मैंने खातून ए जन्नत से कहा आपके बाबा जान रहमत ए आलम ने आपके कान में क्या फरमाया जो आप रोई, और दोबारा सरगोशी में क्या फरमाया जो आप हंसी। नबी कौनैन ने पहली बार सरगोशी में अपने वफात की खबर दी तो मैं रोई, और दूसरी बार सरगोशी में ये फरमाया कि मेरी अहले बैत में सबसे पहले मैं आपसे मिलूंगी। सही बुखारी शरीफ हदीस किताबुल मनकिब पेज 892 हदीस 3625 3626। हजरत आयशा से रिवायत है नबी करीम की बाज बीवियों ने आपसे पूछा सबसे पहले हम में से आपसे कौन जाकर मिलेगी, तो आपने फरमाया जिसका हाथ सबसे ज्यादा लंबा होगा। अब हमने लकड़ी से नपना शुरू कर दिया तो सैयदा रदियल्लाहु अन्हा सबसे लंबे हाथ वाली निकली। हमने बाद में समझा कि लंबे हाथ होने वाली से आपकी मुराद सदका ज्यादा करने वाली थी। और ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा हम सबसे पहले
से जाकर मिले। सदका करना आपको सबसे ज्यादा महबूब थे। सही बुखारी शरीफ किताबुज ज़कात पेज 340 हदीस 1420 सही मुस्लिम किताबुल मनाकिब हदीस 2452 हुजूर नबी अकरम की अजवाज मुबारक हजरत आयशा सिद्दीका बयान करती हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीकी गाबा नामी वादी में उनको खजूर के चांद दरख्त बाकी जिनमें से 20 वसाक खजूरीन आती थी। जब हजरत अबू बकर सिद्दीकी की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, ऐसा दूसरा कोई नहीं जिसका अपना बाद घनी होना मुझे तुमसे ज्यादा पसंद हो और अपने बाद मुझे कोई मुफलिसी ज्यादा गहरा नहीं। मैंने तुम्हें कुछ परेशान कर दिया जब से 20 वसा खजूरें आती थी, अगर तुमने उन पर कब्जा किया होता तो वो तुम्हारे हो जाते। अब वो मीरास का माल है और तुम्हारे 2 भाई और 2 बहने हैं, तो सारे माल को अल्लाह की किताब के हुक्म के मुताबिक तकसीम कर लेना। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया, अब्बा जान, माल ख्वाह कितना ही ज्यादा होता मैं छोड़ देती, लेकिन मेरी बहने तो सिर्फ हजरत अस्मा है, दूसरी कौन है? पूर्ण विराम। हजरत अबू बकर ने फरमाया, वो बिनते खरीजा के पेट में है और मेरे ख्याल में वो लड़की है। फिर उन्होंने उम्मे कुलसुम नामी बेटी को जन्म दिया। मुवत्ता इमाम मालिक पृष्ठ 571 572 किताबुल कुजात हदीस 1512 इमाम बहकी अल सुनन उल कुबरा खंड 6 पृष्ठ 169 हदीस 1172812268 इमाम अबू जाफर तबरी रियाजुल नजुरा खंड 02 पृष्ठ 123 इमाम इब्ने सादत तबकात उल कुबरा खंड 03 पृष्ठ 194 इमाम सुयुती तारिखुल खुल्फा पृष्ठ 63 हुज्जतुल हिलालमीन पृष्ठ 611। अब हदीस का क्या कहेंगे, एक तरफ कल की खबर का इनकार, दूसरी तरफ कौन पहला विसाल करेगा? इस पे उम्मुल मोमिनीन का सवाल, सैयदा फातिमा जहरा के जन्नती होने पे सबसे पहले मिलने पे अकीदा, हद तो ये है कि सिद्दीक अकबर और भी बहुत कुछ को नबी करीम के वास्ते से वो इल्म हासिल हुआ कि उनकी अलिया रदियल्लाहु अन्हा के शिकम में लड़का है या लड़की, उसका इल्म हजरत आयशा सिद्दीका ने ये कहना था, ना कि अब्बू जान। मेरा तो ये अकीदा है कि नबी करीम को कल की खबर नहीं है और आप रदियल्लाहु अन्हु माँ के पेट में क्या है वो खबर दे रहे हो, जो कई बार हो रहा है, मगर उनको ऐसा कुछ ना कहा ना दीगा उम्मुल मोमिनीन से, ना नबी ए करीम की मौजूदगी में और ना ही सैयदा फातिमा जहरा से, क्योंकि वो जो बयान रही है वो इल्मे गब जाती की नफी में था और जो इकरार कर रही है वो अताई है, लिहाजा नतीजा अकीदा वही बनेगा जो हम अहले सुन्नत व जमात का है। अल्लाह का इल्म जाती है और नबी पाक का अताई। दिन रात बुखारी मुस्लिम करने वाले जाहिल क्या ये हदीस नहीं पढ़ते या बयान करने से डरते हैं? पूर्ण विराम। ऐसे ही और वीडियो के लिए द इस्लामिक नेशन 313 को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।